अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फॉर जॉब्स पंजाब। दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की नई वीडियो के साथ अगेन हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आर्म्ड फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में अनाउंस होने वाली जॉब्स के बारे में। आपको बताएंगे इन जॉब्स पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर्ड है, एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है, देन एज लिमिट कितनी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों ने वीडियो को जरूर देखना, एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। वीडियो के जाने बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आप लोगों ने सिंपली गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर आपने हमारी वेबसाइट जॉब्स पाकिस्तान का ये लिंक सर्च करना है। हमारी वेबसाइट जॉब्स पाकिस्तान का ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कर्सर को हम थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। तो ये देखें आर्म्ड फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी मैनेजमेंट जॉब्स 2023 लेटेस्ट और अपडेटेड है। जॉब डिटेल और एडवर्टाइजमेंट रीड कर लेते हैं। आर्म्ड फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट लेबोरेटरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, फीमेल अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है। अब इन जॉब्स के लिए जो है डिस्क्रिप्शन जॉब एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। आर्म्ड फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में जॉब्स के अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें सीरियल नंबर फर्स्ट पर जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट की जॉब है, बीपीएस 7 स्केल की जॉब है, इसमें क्वालिफिकेशन मेट्रिक रिक्वायर्ड है, डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए। सीरियल नंबर 2 पर लेबोरेटरी अटेंडेंट की जॉब है, सीरियल अपने जो बीपीएस इसमें 5 स्केल की जॉब है, मेट्रिक साइंस के साथ इसमें रिक्वायर्ड है, डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए। सीरियल नंबर 3 पर वेटर की जॉब है, जिसमें जो है वो बीपीएस 1 स्केल की जॉब है, प्राइमरी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, इसमें अपना जो डोमिसाइल इसका मुकामी होना चाहिए, सिंध का होना चाहिए। इसके अलावा जो सीरियल नंबर 4 पर जो है वो चौकीदार की सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, ये बीपीएस 1 स्केल की जॉब है, इसमें भी मिडिल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मुकामी डोमिसाइल होना चाहिए। सीरियल नंबर 5 पर जो इसमें लेडी अटेंडेंट की जॉब है, बीपीएस 1 स्केल की जॉब है, मिडिल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जस्ट इसमें फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सिंध का डोमिसाइल होना जरूरी है। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को बताते चलें और अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। तो इसमें जो है तमाम असामियों के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट जो है अमूमी तौर पर रिक्वायर्ड है, लेकिन जो के मजदूर अफराद है उनकी एज लिमिट 18 से 40 साल है। रिटायर्ड आर्म फोर्सेज के जो अफराद है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी एज लिमिट इसमें अप्लाई करने की 45 ईयर 45 साल है। अब आप लोगों ने करना यह है कि आप लोगों ने तमाम असामियों के साथ दरख्वास्त गुजार जो है वो 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट जो के बनाम कमांडेंट AFPGMI रावलपिंडी के नाम आप लोगों ने अरसाल करना है। 500 रुपए का ड्राफ्ट आप लोगों ने एक बैंक से ले लेना है, जो कि आप लोगों ने अपनी दरख्वास्त के साथ जो है सिंपल पेपर पर आप लोगों ने दरख्वास्त लिखनी है। जिस पोस्ट के लिए आप लिख रहे हैं वो एप्लीकेशन का नाम लिखना है और अपना जो राइट कॉर्नर पे, और उसके साथ ये 500 रुपए का आप लोगों ने ड्राफ्ट लगाना है और आप लोगों ने ये एप्लीकेशन जो है सेंड करनी है। किसके नाम सेंड करनी है? आप लोगों ने ये AFPGMI रावलपिंडी के नाम अपने बनाम कमांडेंट ऑफिसर के नाम आप लोगों ने एप्लीकेशन सेंड करनी है। मजीद मालूम के लिए आप लोग जो है ये इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, देन हमारी वेबसाइट जॉब्स पाकिस्तान का भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जॉब्स पाकिस्तान का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन जॉब्स पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 11 जून 2023 जो अपना जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है। फुल टाइम ये जॉब है, परमानेंट बेस पर जॉब है। और इसके अलावा मजीद मालूम हासिल करने के लिए आप लोगों ने हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।